आपको रास्ता दिखाए, आपको राह दिखाए, आपको जीवन जीने की कला बताए, उसका नाम धर्म है। आपने भारतीय जो संस्कृति है ना, उसको अपनाने में शर्माइए मत। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपको भारतीय कपड़े पहनने पड़े तो उसमें शर्माओ नहीं, खुल के पहनो कि ये हमारा धर्म है। आज के समय में थोड़ा सा लोगों ने धर्म से दूरी बनाई, थोड़ा ग्रंथों से दूरी बनाई, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि जीना कैसे चाहिए। वो एक जी ऐसा जीवन जीते हैं जो मुझे लगता है साधारण एक पशु पक्षी भी जीता। खाना पीना सोना कमाना, कोई भी लड़का लड़की उठ करके आ जाता है कहता है राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था। लेकिन क्या आप जानते हो उनका प्रेम और आपके प्रेम में कितना फर्क है? तो पहली बात, कभी भी भगवान के प्रेम को अपने से कंपेयर ना करें। मैं आज बैठा हूँ देवी चित्रलेखा के साथ में, जिनसे कि हम धर्म के बारे में, उनके पर्सनल जीवन के बारे में और गौ रक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो देवी चित्रलेखा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप कैसे धर्म के साथ में, कथा के साथ में जुड़ती चली गई? मेरी शुरुआत सबसे पहले तो परिवार से ही हुई। परिवार भक्ति में मिला भगवान की कृपा से, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हो जाता है जो आपकी भक्ति को समर्थन नहीं करते। लेकिन मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही कि पहले से ही भक्ति में परिवार था जिन्होंने मुझे भक्ति की ओर अग्रसर किया। और दूसरी बड़ी कृपा ये रही कि मेरा जन्म ब्रज में हुआ, तो ब्रज में तो स्वतः ही बच्चा बच्चा कृष्ण राधा रानी का अपने आप प्रेमी ही बन जाता है। दूसरी वो कृपा रही, और तीसरी रही गुरु कृपा, क्योंकि मेरा बचपन से ही गुरुजी से संबंध नाता जुड़ गया। और संपूर्ण जीवन तब से लेके आज तक और आगे तक भी मुझे लगता है गुरु कृपा ही संभाल करके अभी तक चल रही है, और इस मार्ग पर लाने में भी गुरु कृपा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म की शास्त्रीय व्याख्या ये कहती है धारयति इति धर्मः, जो आपको संभाल करके रखे, आपको रास्ता दिखाए, आपको राह दिखाए, आपको जीवन जीने की कला बताए, उसका नाम धर्म है। क्योंकि दुनिया में क्या करना चाहिए, इंग्लिश कैसे बोलनी है, लैंग्वेज कैसे सीखनी है, खाना बनाना कैसे आना, ये सब आपको इंटरनेट पर सब उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जीवन को कैसे जीना चाहिए, आप कौन हैं, आपका अल्टीमेट जो गोल है मनुष्य जीवन के बाद भी, वो कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए थे, तो ये सारी चीज़ आपको धर्म सिखाता है, या धर्म से जुड़े जो हमारे शास्त्र हैं वो सिखाते हैं। आज के समय में थोड़ा सा लोगों ने धर्म से दूरी बनाई, थोड़ा ग्रंथों से दूरी बनाई, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि जीना कैसे चाहिए। वो जी एक ऐसा जीवन जीते हैं जो मुझे लगता है साधारण एक पशु पक्षी भी जीता। खाना पीना सोना कमाना, बस इसी में उसका जीवन निकल जाता है। लेकिन मानव जीवन उससे थोड़ा अलग है, मानव तो के पास बुद्धि अलग है। एक आम आदमी जो है वो धर्म से क्या समझे देवी चित्रलेखा? आम आदमी को धर्म से यही समझना चाहिए, पहली बात तो धर्म को केवल एक रिलीजियस ट्रेडिशन सोच करके ना चले कि केवल मंदिर जाना धर्म नहीं है। जाना धर्म है, लेकिन केवल उतना ही धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आपकी जीवन में धार्मिकता दिखाई दे, वो झलके आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, आपके संस्कार ऐसे बन जाएं, वो केवल धर्म ही सिखा सकता है आपको। और जब आपके जीवन में वो धर्म आ जाता है तो आप, गाड़ी सबके पास है लेकिन चलाने के लिए उसका स्टेयरिंग आपको आना चाहिए कि उसको ड्राइव कैसे करना है। तो धर्म वो ड्राइविंग स्किल सिखाता है कि कहाँ रुकना ज़रूरी है, कहाँ चलना ज़रूरी है, और उसी को सिखाना धर्म का नाम। आप मुझे ये बताइए देवी चित्रलेखा, कि एक साध्वी क्या है? साध्वी का क्या मतलब है आपके हिसाब से? आपके नाम के आगे जो है, अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ चित्रलेखा, तो खुद ही खुद आ जाता है साध्वी चित्रलेखा जी। जी तो आपके हिसाब से साध्वी क्या है?
किसको हम आज के युग में जो है साध्वी बोलें? देखिए, विशेषकर अगर इस पद की ही बात की जाए तो ये साध्वी जो संपूर्ण जीवन संन्यास धर्म में निभाते हैं ये उनके लिए है। मैंने कभी अपने नाम के आगे साध्वी बचपन में एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तब लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे गुरु का आदेश हुआ कि ये पद तुम्हारे लिए नहीं है तो इसको हटा दिया जाए, क्योंकि अभी मैं गृहस्थ धर्म में हूँ तो मैं कभी भी अपने नाम के आगे साध्वी नहीं लगाती। कोई गूगल इत्यादि में कहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे तरफ से या हमारी टीम की तरफ से कभी भी नहीं लगाया जाता। लेकिन जो बात साध्वी है, ये जो टैग है, जैसे संत का ही एक दूसरा रूप जो स्त्री होती है उनके लिए साध्वी है। अब बात आती है संत और साध्वी का मतलब क्या होता है। संत साध्वी केवल वो ही नहीं होता जिसने केवल अपने बाहरी कपड़े बदल लिए हैं, जिसने माथे पर चंदन लगा लिया है, केवल उसी को साध्वी नहीं कह सकते। मुझे लगता है एक साधारण दिखने वाली एक महिला भी साध्वी हो सकती है, क्योंकि उसमें साधु जैसे गुण हैं, उसका स्वभाव साधु जैसा है, करुणा से भरा है, कोई उसका शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, सब में एक जैसा समान भाव रखना, एक जो विरक्त का जो स्वभाव होता है वो एक साध्वी का अर्थ होता है। लेकिन साध्वी लगाना बहुत आसान है, साधु लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है ना मैं कोई साध्वी हूँ, ना मैं कोई विरक्त हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, मैं एक भक्त भी नहीं हूँ। भक्त बनने की लाइन में अभी हम बस लगे ही हैं, जब भगवान की कृपा होगी तो शायद उसमें पास भी हो जाएंगे। अब आपने ना एक और सवाल के यहाँ पे दरवाजे खोल दिए हैं मेरे लिए, और वह सवाल ये है कि आप जैसे गृहस्थ जीवन है आपका इस समय जी, तो उसके साथ में धर्म से जुड़े रहना मतलब चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ज़रूर चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ धर्म और धर्म अध्यात्म को बैलेंस करना बहुत टिपिकल बन जाता है। वो तब बनता है जब जिस गृहस्थ धर्म में हो वो आपके सपोर्टिव ना हो। तो जैसा मैंने कहा, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और इस कृपा के ही कारण मैं गृहस्थ धर्म में आने के बाद भी, विवाह के पश्चात भी, मेरा जो परिवार मुझे प्राप्त हुआ उन्होंने कभी भी मुझे इस रास्ते से रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसमें और प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मुझे लगता हर कन्या को, हर लड़की को ऐसा परिवार ही मिलना चाहिए जो धर्म में बढ़ावा दे, क्योंकि अच्छा काम है। अगर हाँ आपकी बेटी, आपकी पुत्री, आपकी बहू, आपकी बहन कुछ गलत काम करती है तो आप रोकने के अधिकारी हैं, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उनका साथ देना, उनको आगे बढ़ाना, ये हर एक परिवार का, हर एक पुरुष का धर्म बनता है। आप तिलक लगाती हैं माथे पर जी, ठीक है, तो इस तिलक का क्या महत्व है? बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि हमारे जो है धर्म में तिलक का क्या महत्व है। अगर आप उसको बता पाएंगी तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी जनता को उससे समझ में आएगा कि तिलक का क्या रेलेवेंस है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो उस दौर में लोग मतलब तिलक नहीं लगाते हैं, कहीं अगर मंदिर में भी जाते हैं तो तिलक लगाना जो है अवॉइड करते हैं कई लोग। देखिए, तिलक का तो इतना बड़ा महत्व है कि मैं आपको बताऊंगी तो आपका पूरा एपिसोड उसी में ख़त्म हो जाएगा लेकिन फिर भी एक श्लोक है जो विशेषकर बोला जाता है कि चंदनश्च महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा या भक्ति तिष्ठति सर्वदा। जिसके माथे पर चंदन होता है उसकी जो आपदाएं हैं या उसकी अकाल मृत्यु जो होती है उसका हरण हो जाता है। और ये चंदन लगाने का मतलब ये है, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ये एक प्रकार का मार्क है जो इस बात को साबित करता है कि आप अकेले नहीं हो, आप किसी के हो चुके हो, आपका कोई मालिक है और वो मालिक आपका दिन रात सहारा दे रहा है, आपको हर बुरी चीज़ से बचा रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि हम अकेले नहीं हैं। ये गले की कंठी, माथे का चंदन, ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के हैं। ये जो ऊपर चंदन लगा हुआ है इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं, और इसका अर्थ होता है कि ये श्री कृष्ण के, या कोई भगवान नारायण को मानता है तो ये उनके चरण है।
तो जब चरण 24 घंटे श्री कृष्ण के आपके माथे पर रहेंगे तो स्वाभाविक है आपका जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहेगा, आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आजकल जो लोग कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब श्री कृष्ण के चरण आपके माथे पर, तो स्वतः ही आपका जीवन बहुत काम हो जाएगा, आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। दूसरी बात, फिर लोग कहते हैं आजकल के तार्किक लोग कि चंदन से क्या होता है, भक्ति तो अंदर होती है, बाहर दिखाने से थोड़ी होती है। लेकिन यही बात आप बॉर्डर पर खड़े हुए एक आर्मी ऑफिसर से कह के देखिए, आप उससे कह के देखिए कि तू आर्मी की ड्रेस पहन के क्यों खड़ा है, नॉर्मल जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले, खड़ा हो जा। लेकिन नहीं, उस ड्रेस में ही एक डिसिप्लिन है। उस ड्रेस को आप भी पहन लोगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा कि थोड़ा सा गर्व, डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर आपके माथे पर चंदन होगा तो आपका जीवन अनुशासित रहेगा। आप गलत करने भी जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, लोग देख रहे हैं मेरे माथे पर चंदन है, क्या कहेंगे। मैं अगर ये चंदन लगा करके कहीं जाऊंगा तो लोगों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये चंदन मुझे गलत कामों से रोकेगा। तो मेरा युवाओं से खासकर निवेदन है कि बिल्कुल भी चंदन लगाने में शर्माइए मत। आप रोज नहीं भी लगा सकते हैं तो कुछ समय ऐसा रखिए, जैसे जन्माष्टमी आ गई, आपके घर में कोई पूजा पाठ है तो उस समय धोती पहनिए, चंदन आपने भारतीय जो संस्कृति है ना उसको अपनाने में शर्माइए मत। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते ठीक है, लेकिन कभी आपको भारतीय कपड़े पहनने पड़े तो उसमें शर्माओ नहीं, खुल के पहनो कि ये हमारा धर्म है। तो अगली बार जब भी मैं देवी चित्रलेखा से मिलने के लिए आऊँगा तो मैं धोती और कुर्ता पहन के आऊँगा, आज मैं सिर्फ कुर्ता पहन के आया हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ रही होंगी, तो उससे आपने कैसे उनका सामना किया? और मेरे हिसाब से दर्शकों को वो जान के मतलब शायद कुछ सीखने के लिए मिल जाए कि जीवन में अगर चुनौतियाँ आती हैं तो उसका किस तरह से सामना किया जाना चाहिए। चुनौतियाँ किसके जीवन में नहीं आती, मानव इंसान छोड़ दीजिए, जब भगवान मानव बन के आए तो उससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती कि कल राजा बनने वाले थे और रात ही रात में ये अनाउंस हो गया कि कल ये 14 वर्ष का वनवास पर जाने वाले हैं। इससे बड़ी चुनौती मुझे नहीं लगता हमारे जीवन में कोई आ सकती है, लेकिन राम ने उसको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ कर के सामना किया। मेरे जीवन की बात करूँ तो हाँ, ज़रूर चुनौतियाँ हमेशा आती हैं। बचपन जब था तब तो बड़े लोग बच्चा बच्चा समझ करके हर चीज़ को प्रशंसा में ले लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने गौ माता की सेवा शुरू की, आयु बढ़ी, तो चुनौतियाँ स्वाभाविक रूप से आने लगी और वो ज़रूरी है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, जैसे जैसे चुनौतियाँ बढ़ती गई मेरे भीतर की गंभीरता बढ़ती गई, मेरे जीवन का, मेरे सोचने का एक नज़रिया ही बदल गया। और वो धन्यवाद है उन चुनौतियों का जो मेरे सामने आई और आगे भी आएंगी। मुझे पता है कि जीवन बिना चुनौतियों के कभी पूरा हो ही नहीं सकता, और वो चुनौतियाँ आपको बल देती हैं, आपको शक्ति देती हैं, आपको जीने का एक मकसद देती हैं। कहते ना, हमेशा मीठा मीठा खाओगे तो थोड़ा सा ऊब जाओगे, डायबिटीज़ होने का भी खतरा है, तो मीठा खाते खाते थोड़ा बीच में नमकीन खट्टा वो भी होना ज़रूरी है। तो हम हमेशा, हमें क्या लगता है, हमें बचपन से सिखाया गया है, यहाँ तक कि धर्म में भी हमने बच्चों को यही सिखाया है कि भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। बच्चों को क्या लगता है, भजन मतलब, भक्ति मतलब दुखों से छुटकारा, लेकिन ये एकदम गलत डेफिनेशन है। आप जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी ना, आपके एग्जाम टफ होते जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो, आपकी परीक्षाएं बढ़ती जाएंगी। और वो परीक्षा इसलिए बढ़ रही हैं ताकि आपको एक अगले लेवल तक पहुंचा सके, आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होकर के पहुंच सके। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि कभी घबराए नहीं, जब भी ऐसी परीक्षाएँ आएँ तो हमेशा भगवान की उन लीलाओं को याद करें कि राम भी थे, मीरा थी, सूरदास थे, सबके जीवन में तकलीफ आई और उनकी तकलीफों ने उनको अमर बनाया। आपकी जो है बचपन से जो है प्रभु के सानिध्य में जो है आपका बचपन गुजरा जी, तो उस एक आदत ने कि प्रभु से जुड़े रहने की, भगवान से जुड़े रहने की, कृष्ण से जुड़े रहने की आदत ने आपको यहाँ पहुँचा दिया जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आदतें जो है किस तरह से जो है आपका भविष्य तय कर सकती हैं, आपका फ्यूचर लिख सकती हैं। भविष्य क्या है, भाग्य क्या है,
आजकल के लोग लक को बहुत महत्व देते हैं, मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मेरा लक अच्छा नहीं था, लेकिन वो लक क्या है? लक और कुछ नहीं है, वो आपके खुद के एक्शंस हैं, आपकी खुद की आदतें हैं। अंग्रेज़ी में कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। हम अक्सर भाग्य, किस्मत, इसको बदलने के चक्कर में आदतों को बदलना छोड़ देते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी आदतें हैं शराब पीना, तो मुझे ये भी समझ लेना चाहिए कि मेरा फ्यूचर बहुत ख़राब है, क्योंकि एक दिन शरीर का लिवर, किडनी, ये सब फेल होंगी, डैमेज होगा और उसका परिणाम बहुत घातक होगा। तो आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही है, आदतों से ही भविष्य बनता है। अगर आप अपनी आदतों पर कंट्रोल कर पाए, अपनी हैबिट्स जो आपको लग रही हैं गलत हैं, आप उनको चेंज कर पाए, तो अपने आप आपका फ्यूचर, आपका भविष्य अपने आप चेंज हो जाएगा। वो आदतें कैसे चेंज होंगी? पता है मुझे कि ये गलत है, मुझे पता है झूठ बोलना गलत है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ। वो आदतें चेंज होंगी जब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जिएंगे, आप अपना जो सर्कल है वो ऐसा बना लेंगे जहाँ के लोग उन आदतों से बहुत दूर हों। अगर मुझे शराब पीने की आदत है, तो मैं अगर शराब पीने वाले लोगों के साथ रहूंगा तो मेरी वो आदतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो ज़रूरी है कि अपना सर्कल चेंज करें। आप सर्कल चेंज करोगे, आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, आपकी हैबिट्स चेंज होंगी तो आपका फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाएगा। जो लोग जो है सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स का खोज करते रहते हैं, कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है, कोई रास्ता है कि मतलब अगर मैं भागवत के साथ में जुड़ जाऊं, या फिर मैं कृष्ण के नाम अपना जीवन कर दूं, या फिर मैं भगवान से जुड़ जाऊं, मैं बोलूं प्रभु मैं आपके चरणों में हूं तो मुझे सफल कर दीजिए, तो क्या वैसा कोई सफलता का शॉर्टकट है? जिस दिन आप भगवान के चरणों में जुड़ जाएंगे ना अच्छी तरह से, उस दिन आपको सफल और असफल से फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको असफलता भी सफल लगेगी कि हाँ मैं सफल हो गया। यही दृष्टिकोण भक्ति देती है। जैसे भगवद गीता लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ भगवद गीता पढ़िए, लेकिन भगवद गीता केवल जीवन में सफल होने के लिए नहीं सुनाई गई है। भगवद गीता समझने से होगा क्या कि अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, ये समझ भगवद गीता आपको दे देगी। भगवान कभी भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि मैं तेरे दुखों को दूर कर दूंगा, लेकिन दुखों से लड़ने की शक्ति दे दूंगा, ये मैं ज़रूर इस बात की प्रतिज्ञा ले सकता हूँ। तो पहले तो आपको समझना होगा कि भगवान से आप क्यों जुड़ रहे हैं। भगवान से हमेशा केवल मांगने के लिए या अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जाओगे तो वो फिर भगवान से जुड़ना नहीं हुआ, वो आपका अपना स्वार्थ है, वो काम निकाला और उसके बाद वहाँ से आप चेंज होकर के, ये हमारे भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवता है, इससे काम नहीं बना तो दूसरा ट्राई कर लो, दूसरा नहीं है तो 5वां ट्राई कर लो, ऐसे करते करते हम पूरी लाइफ जो है गुमराह रहते हैं। अगर आप सचमुच भगवान से जुड़ना चाहते हो तो आपको ये विश्वास लेना होगा कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे साथ उसमें मेरे लिए भलाई है। अब ये जवाब ना वो लोग ज़रूर नोट कर ले जो इंस्टाग्राम पर भगवान श्री कृष्ण के कोई कोई कोट्स डालते रहते हैं, जो कि शायद भगवान कृष्ण ने कभी बोला भी नहीं है। जी, शॉर्टकट कभी आपको मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। अगर आपको जानना ही है कृष्ण की, कृष्ण क्या वही जानना है तो गीता पढ़ो ना, जो कृष्ण ने डायरेक्टली आपको बताई। आप वाया वाया किसी के थ्रू जानोगे तो चीज़ों से भटक जाओगे। अच्छा, कुछ लोगों के पास ना इसमें मतलब भगवान के लिए समय तो होता नहीं, ठीक है, लेकिन मांगने के लिए बड़ा समय होता है जी। ये भगवान मेरे लिए ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप? मैं मांगने के एकदम विरुद्ध में हूँ। मेरी कोई कथा शायद ऐसी जाती हो जिसमें मैं इस टॉपिक को ना उठाती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मुझे भी पता है आजकल के लोग मंदिर भी जाते हैं तो दर्शन कम करते हैं, वो बस जाते ही आँख बंद करके उनका जो मांग है वो शुरू हो जाती है। भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मन ही मन मांगने ही मांगने आता, कभी मिलने भी आ जाकर, कभी पूछने भी आ जाकर ठीक हो, हालचाल अच्छा है आपका कि नहीं है। लेकिन ये बहुत बुरी प्रथा है और इसका कारण मैं बताऊं क्या है। इसका कारण है बड़े लोग। बड़े लोग हमेशा बताते हैं, एग्जाम पे जा रहा है, भगवान के, हनुमान जी को प्रणाम करके बोल के जा, अच्छे नंबर दिला दे।
लेकिन हनुमान जी अच्छे नंबर कैसे दिलाएंगे अगर आप पढ़े ही नहीं होंगे तो? ये बहुत एक लॉजिकल चीज़ है जो हमें लगता है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे ऐसे सीखें कि भगवान को तभी याद करो जब आपको कुछ चाहिए, जब आपको पास होना है, जब आपको नौकरी चाहिए, जब आपको ब्याह शादी करनी हो, तब भगवान को याद करो। और उसके चक्कर में हमने भगवान को बस एक मांग की दुकान बना दी है, लेकिन ये एकदम गलत है। भगवान के पास जाना है तो केवल इतना मांग सकते हो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, इतना बल दो कि मैं सही और गलत का निर्णय कर सकूं, और आप मेरा साथ दे करके हमेशा मुझे सही रास्ते पर चला के जाओ। इतना मांगना ठीक है, लेकिन इससे आगे अगर आप संसारिक चीज़ें मांगते तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। उससे छोटी मोटी चीज़ मांग करके अपनी मांग वेस्ट मत करो जी। ऐसा मांगो जो संसार का कोई आदमी नहीं दे सकता, वो भगवान से मांगो और भगवान वो शक्ति आपको दे सकते हैं जी। क्या आप मुझे 5 ऐसी चीज़ें बता सकती हैं जिनको अपनाने से जो है कोई भी सफल हो सकता है? पहली चीज़ जो मुझे लगता है आजकल के जो यूथ को, आजकल के बच्चों को समझना होगा कि अपना 100% दीजिए किसी भी चीज़ में। पढ़ाई है, नौकरी है, भक्ति है, आध्यात्म है, हर चीज़ में अगर आप अपना 100% देना सीख गए तो आपको कहीं भी किसी से शॉर्टकट के लिए कुछ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप अपना पूरा काम पूरे दिल से, पूरे लगाव से कर रहे हैं। उसके बाद आप ना भी सफल हो पाएंगे तो आपके मन में खुशी रहेगी कि चलो मैंने काम अच्छा किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के करते हैं, उसको पहले एक बार सही और गलत का निर्णय लेने से पहले उसको एक बार अपने शास्त्रों में, सनातन धर्म में टैली करिए कि ये चीज़ सचमुच सही है या नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र से सही हो सकती है लेकिन क्या पता सचमुच सही ना हो। हर आदमी को अपनी बात तो सही लगती है लेकिन वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उनको शास्त्रों से ज़रूर देखिए। तीसरा, अपनी लाइफ में एक मेंटोर रखिए, एक ऐसा मेंटोर हो, एक ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो गुरु रूप में हो, चाहे वो टीचर रूप में हो, स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में हो, जिनसे आप अपने जीवन की हर रास्ते को समझ सकें, अपनी हर गहराई को जान सकें, आपका जीवन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप खुल के उनके पूछ सकें, ऐसा एक मेंटोर होना ज़रूरी है। चौथी चीज़, भगवान का नाम। अगर वो नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश करिए, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ भगवान नहीं है। भगवान का होना, भगवान के नाम का होना, अपने जीवन में कुछ ऐसा समय रखिए जिस समय को आप थोड़ा सा डिवाइड करिए, थोड़ा समय पढ़ाई का, थोड़ा काम का, और थोड़ा समय धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए दीजिए, भगवान के नाम के लिए दीजिए। चौथी चीज़ ये, और पांचवी चीज़ है कि समाज की सेवा में अपने तन की उपयोगिता लाइए। समाज की सेवा में कुछ भी हो सकता है, गौ सेवा हो सकती है, फिजिकल वर्क करें, फिजिकल वर्क बिल्कुल। आप 6 दिन अगर कॉलेज जा रहे हैं या 6 दिन आप जॉब जा रहे हैं तो आप संडे को एक दिन निकालिए, जब आप बाहर जाएं, घर से बाहर निकलें, फिजिकली आप अपने शरीर को थोड़ा सा सोशल काम में जोड़ें। गौशाला जाइए, कोई ओल्ड एज होम है वहाँ जाइए, कोई अनाथ आश्रम है वहाँ जाइए, और जाकर के उन बच्चों की, गरीबों की या गौ माता की सेवा करिए। आप जैसे ही ये सेवा से जुड़ेंगे ना, अपने आप आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। मतलब किसी मिशन से जोड़ना खुद को जो है आपके लाइफ को भी एक गोल तक पहुंचा देगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आज परेशानी यह है कि आजकल के यूथ का एम ही नहीं है कुछ, उनको पता ही नहीं कि उनके मतलब फिजिकल लाइफ का क्या एम है और मेंटल लाइफ का क्या एम है। तो वो एम अगर आप खोज लेंगे और इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आजकल के युवा जो है ऑनलाइन प्रेम के ऊपर जो है चलते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चलता है जी। ठीक है, आप क्या ये बता सकती हैं कि जीवन में कैसे पता लगे कि मेरी लाइफ में जो है सच्चा प्रेम आ चुका है? आपको लगता है वो प्रेम होता है? पहली बात तो आपको ये समझना होगा, प्यार और प्रेम में फर्क होता है जी।
दुनिया में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं हो सकता जी। प्रेम सिर्फ आध्यात्मिकता का एक वर्ड है जी। जो केवल भगवान से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब अपने सुख का, अपनी डिजायर्स का कंप्लीट तरीके से उसको खत्म कर देना। ये संसार में कभी हो नहीं सकता। आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपका अपने पति से, अपनी पत्नी से एक आशा रहती है कि वो मुझे ऐसा बिहेव करे तो मेरा प्यार उसके लिए होगा। तो फिर यहाँ तो अपना स्वार्थ हो गया ना, यहाँ मेरा सुख हो गया, और जहाँ मेरा सुख आता है वहाँ प्रेम नहीं होता। उसको आप प्यार बोल सकते हो कि संसारिक प्यार है, थोड़े दिन चलेगा, हो सकता है लंबा भी चले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंत में जा करके वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आजकल हम देखते हैं, भारत में पहले नहीं था पर आज ये सिस्टम भारत में भी चल रहा है, 2-4 साल शादी चलती है और उसके बाद डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। तो आजकल के युवाओं को लगता भी नहीं है कि हम कुछ गलत का, उन्हें लगता है अच्छा ये पसंद नहीं आया तो अब दूसरा आजमा लें। लेकिन ये बहुत गलत पद्धति है। हमारी भारतीय पद्धति कहती है कि आपको जिनके साथ आप विवाह किए हैं या जिनके साथ अपने जीवन जीने का एक मन बनाया है, आपको पूरी तरीके से उनके साथ कैसे निभा के चलना, एडजस्ट करना आना चाहिए। आज की जो संबंध है, आज की जो रिलेशनशिप्स हैं, वो टूटती इसलिए कि लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते, जबकि हर रिश्ता आपसे एक एडजस्टमेंट मांगता है, आपको करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो लोगों ने छोड़ दिया है। तो पहली बात तो प्रेम को समझना चाहिए। प्रेम आप कोई भी लड़का लड़की उठ करके आ जाता है कहता है राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था, लेकिन क्या आप जानते हो उनका प्रेम और आपके प्रेम में कितना फर्क है? आपका प्रेम बाहरी आकर्षण है, लेकिन राधा कृष्ण एक अलग स्थिति पर थे। वो दो थे ही नहीं, वो एक थे जिन्होंने दो रूप बना करके अपने एक दूसरे को प्रेम क्या होता है ये लोगों को सिखाया। तो पहली बात, कभी भी भगवान के प्रेम को अपने से कंपेयर ना करें। दूसरी बात, आप हमेशा ये कोशिश करें, मुझे पता है ये 100% नहीं हो सकता, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना करो, कि जिनसे भी आप परिवार में प्रेम करते हो आप उनके सुख का ध्यान दो, उनको किस चीज़ से खुशी मिलती है। अगर आप ये मन में ध्यान रखोगे तो आपका जो संबंध है वो थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स्ड है कि आज के दौर में मैं जो है शादी इससे पहले कर लूं और इसके बाद ना करूं? क्योंकि कई लोग जो हैं वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं तो तब भी शादी कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई 45-60 साल की उम्र में भी शादी कर रहा है, तो आजकल के दौर में जो है कब विवाह सूत्र में जो है बनना जो है? देखिए, जैसा आपने कहा, हमारे धर्म में सिस्टम बनाया है और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। उसमें ब्रह्मचर्य है, आपको बचपन, आपका जब से जन्म हुआ है आपको 15 से 20 साल तक आपको ब्रह्मचर्य निभाना होता है, 20 के बाद आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, 50 तक आने के बाद गृहस्थ धर्म आपका कंप्लीट हो जाता है, 50 के बाद आपको वानप्रस्थ जाना होता है जी। लेकिन ये चीज़ें आजकल निभाता नहीं है कोई नहीं। 50 हो गया उसके बाद भी वो उसी धंधे में लगे रहते हैं, उसी चीज़ में लगे रहते हैं। वानप्रस्थ होने के बाद फिर आपको संन्यास, अपना जो आगे का जीवन है उसको निभा सकते हैं। लेकिन जो इसमें मैं जाऊँगी तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि 20 से 50 साल का जो बीच होता है ये गृहस्थ धर्म के लिए निश्चित किया गया है। इसके बीच में आपको लगता है कि अब आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप समर्थ हैं, आप उसको अपने कंधे पर ले सकते हैं, जब आप तैयार हैं तब आपको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए, और अगर आप प्रवेश करते हैं तो फिर आपको उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। जो हमारे दर्शक हैं जिनकी काफ़ी जो एज्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए मतलब क्या सलाह है आपकी कि कैसे मतलब उस मोह से जो है, उस मोह के बंधन से जो है छूटा जाए? देखिए, छूटना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, आज के दौर में आसान नहीं है। जिस परिस्थिति में हम लोगों को देखते हैं उनको देख के हमें लगता है कि नहीं हम ही क्यों छोड़ें अगर उसने नहीं छोड़ा तो। लेकिन अगर आपके जीवन में एक सच्चा गुरु होगा, एक आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो जो सिखाता है उसे पता है कब इसको क्या सिखाना है, कहाँ इसको स्पीड के बारे में, कब इसको ब्रेक लिमिट सब बतानी है। ठीक उसी तरह जो स्पिरिचुअल गुरु होता है उसको पता है कि आपको कब क्या चीज़ समझानी है, कब क्या चीज़ देनी है। लेकिन आज परेशानी ये है कि
ज़्यादातर लोगों के गुरु नहीं हैं, और अगर गुरु हैं तो उसमें भी थोड़ा गड़बड़ सब चलता रहता है। किसी को गुरु में श्रद्धा नहीं है, अगर गुरु में श्रद्धा है तो गुरु में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, इसके कारण सब चीज़ें थोड़ी डगमगा जाती हैं। तो आप सबसे पहले तो बचपन से ही, शुरुआत से एक ऐसा गुरु रखिए अपने जीवन में जिनकी बात आप मानते हो, जिनमें आपकी 100% श्रद्धा हो, और वो आपको समय समय पर चीज़ों को बताते रहेंगे, तो गुरु ही है जो आपको मोह बंधन से थोड़ा बाहर निकाल सकता है। हमने गुरु छोड़ दिया, हमने सत्संग सुनना छोड़ दिया, हमने ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, और जब इन चीज़ों से दूरी हो गई तो हम संसार से अटैच हो गए। आप जितना धर्म से अटैच होंगे ना, उतना ही संसार से डिटैचमेंट होता चला जाएगा। ये बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका अटैचमेंट 50% भगवान से जुड़ गया तो 50% अपने आप ही आपका संसार से हट जाएगा जी। जब ये आपका अटैचमेंट 80% भगवान से हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 80% संसार से हट जाएगा। तो वो अटैचमेंट जो भगवान से करनी है वो गुरु कराएगा या सत्संग सुन करके आप उसको थोड़ा सीख सकते हैं। आज के टाइम में जो है दोस्ती के ऊपर भी लोग बड़ी बात करते हैं जी। तो असली दोस्त कौन होता है और असली दोस्त की पहचान कैसे की जाए? पहले तो दोस्त कौन है? दोस्त सिर्फ जो आपको पार्टी में ले जाए, आपके साथ दो चार बोतल बियर की ले ले, आप संग बैठ करके कुछ उल्टा सीधा गेम खेलें, वो दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती असल में मुझे लगता है वो होती है जब आप गलत कर भी रहे हो तो वो गलत में आपका साथ ना दे, बल्कि आपको उस गलत को करने से रोके। मित्रता वो होती है। मित्र कृष्ण और सुदामा भी थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सारे जगत में प्रसिद्ध है। तो मित्रता में आपको अपने मित्र का हमेशा साथ देना है, ये मित्रता नहीं होती। असल में आज के जमाने में फ्रेंडशिप का एक जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। जो गलत में भी साथ खड़ा रहे वो मित्र नहीं होता। ये काम तो कर्ण ने भी किया था, वो मित्र था दुर्योधन का, लेकिन उसने गलत में रोका नहीं। अगर गलत में रोका नहीं तो वो सही मित्र नहीं हो सकता है। एक कर्ण था जो दुर्योधन का मित्र था, एक कृष्ण थे जो अर्जुन के मित्र थे। अर्जुन जब एक ऐसी परिस्थिति में आ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने गीता का 18 अध्याय का उपदेश दिया कि तू ये कर और ये मत कर, तू इस चक्कर में मत पड़ कि मेरे सामने लोग खड़े, मैं क्या करूंगा। तो मित्र का चुनाव बहुत जरूरी है। और एक शब्द में इतना कहूंगी कि क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, क्वालिटी पर ध्यान दो जी। हजारों मित्र बनाने जरूरी नहीं है, एक भी हो तो चलेगा, लेकिन उसमें पूरी क्वालिटी होंगी मित्रता की तो उसको मित्र बनाए। अच्छा, युवाओं को अध्यात्म का रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे वो अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ पाएंगे, इसके बारे में आप मुझे बता पाएं? युवाओं को जुड़ने के लिए सबसे पहले घर से माता पिता को संस्कारित करना होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल बच्चों को इतना ही सिखाएं कि तुझे मार्क्स अच्छे लाने, दैट्स इट, क्लास में फर्स्ट आना है, बस काम खत्म। आप उनको ये समझाइए कि तू पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी हो गया तो चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि तू संस्कारवान बने। और एक माता पिता अगर ये संकल्प ले लें कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, तो इतिहास गवाह है कि बच्चा वही बनता है। विशेषकर कोई एकाद अपवाद हो वो अलग बात है। तो इसीलिए घर से माता पिता को शुरुआत करनी होगी। घर में एक रूटीन बना लीजिए, आधा घंटा पूरा परिवार बैठ करके बच्चों को बिठा करके आप कुछ पढ़ेंगे, धर्म से जुड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। बचपन से अगर आपने ये रूटीन बना लिया तो आप ना भी रहें तो भी बच्चों को वो परंपरा आगे निभानी पड़ती है कि हमारे माता पिता ने सिखाया था हमें थोड़ी देर बैठ के ये करना है। और वही चीज़ उनकी लाइफ में उनको धर्म से अपने आप जोड़ देगी, ऐसा मैंने अनुभव भी किया है, और जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने करके भी देखा है, और बच्चे धीरे धीरे धर्म से अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की ऐसी कौन सी बात है जो सबको अपने हृदय में रखनी चाहिए हमेशा? कृष्ण की एक बात तो नहीं है, कृष्ण की कोई बात
एक हो ही नहीं सकती, हजारों हैं और वो सब जीवन में महत्वपूर्ण है जी। पर अगर डायरेक्ट अगर कृष्ण ने कुछ कहा है अपने डायरेक्ट वर्ड्स में कहा है तो वो भगवद गीता है। पूरी भगवद गीता का एक एक अक्षर एक एक श्लोक जीवन में अपनाने योग्य है। तो बस इतना ही कहूंगी, सब भगवद गीता पढ़िए, आज के युवा भगवद गीता पढ़िए। एक श्लोक जो कि मतलब सबके लिए रेलेवेंट रहे। श्लोक तो भगवद गीता में बहुत सुंदर सुंदर है, पर एक विशेष ये है आज का जो बढ़ती हुई एक बीमारी है डिप्रेशन जी, उसका जो आंसर है वो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले दे दिया। उन्होंने कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब डिप्रेशन कैसे आता है, डिप्रेशन माने बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश हो जाता, बुद्धि का नाश है, कैसे तो होता है, ध्यायतो विषयान, जितना आप विषयों का संग करोगे धीरे धीरे विषयों का संग करते करते आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। आपका मन करेगा उसके पास ये वाला फोन है मुझे भी चाहिए, मेरे दोस्त के पास वो वाली गाड़ी है मुझे चाहिए, लेकिन फिर क्या होगा, आपकी इच्छा में रुकावट आएगी। रुकावट क्या आएगी, आपके पास पैसा नहीं है खरीदने का, और जब इच्छा में रुकावट आएगी तो क्या आएगा, क्रोध, गुस्सा, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध आने से क्या होता है, स्मृति, मेमोरी लॉस होती है, और मेमोरी जब आपकी लॉस होगी तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, आपकी बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि का नाश ही डिप्रेशन है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही विषयों का संग छोड़ के अच्छे लोगों का संग करें जी। आपका देश और दुनिया के लिए क्या संदेश है, और उसके बाद में मेरा एक सवाल एक और है आपसे कि आप जो है देश और विदेश दोनों जगह पे जो है भागवत करती हैं, तो आपको कोई फ़र्क महसूस होता है उसमें कि नहीं होता? पहला तो ये है, सबको इतना ही संदेश है कि जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को खुल करके जिए, अच्छे से जिए, कैसे जिए, सही और गलत का निर्णय लेकर के जिए, क्योंकि खुल के जिए। ये बात तो बहुत लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि एक लाइफ है सब करो, लेकिन सब में क्या नहीं करो वो भी जानना ज़रूरी है। सब करो के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कुछ भी करते रहें और हमें लगे यही लाइफ जीना है। लाइफ जीना केवल गलत आदतें नहीं होती है। सब करो से लोग ये भी समझ लेते हैं कि भाई एक बार जिंदगी मिली है तो मैं पार्टी कर लूं जी, मैं जितने नशे हैं वो सब कर लूं। इसीलिए मैंने ये बात कही, आपने उसको थोड़ा खुल के बोला कि ये चीज जीना नहीं होता है। हाँ, एक लाइफ मिली है, खुल के जिए, लेकिन उसमें सही तरीके से जिए। जो चीज नहीं करने की है उसको करके आप ये सिद्ध मत करिए कि हाँ एक लाइफ है मैंने जी लिया। अच्छे काम करिए, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए कि आपको लाइफ छोटी लगने लगेगी कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करिए, अच्छी जगह घूमने जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, और साथ साथ भगवान का नाम लेके चलिए, क्योंकि वही आपको परम शांति दे सकता है। क्योंकि मृत्यु होने के बाद तक भी आदमी कहते भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जब तक ये जिए थे तब तक इनको शांति मिली नहीं थी, तो एटलीस्ट मरने के बाद मिल जाए। तो अगर जो जी नहीं पाया शांति में, हमेशा एक आजकल ट्रेंड चल गया है जब मृत्यु होती किसी की, RIP, रिप, रेस्ट इन पीस, तो मैं हमेशा कहती हूँ व्हाई रेस्ट इन पीस, व्हाई वी कैन नॉट लिव इन पीस। जब आप जी नहीं पाए शांति में तो मर के काहे की शांति, पहले जीना सीखिए शांति से। सबके लिए मेरा यही संदेश है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या अंतर है यहाँ और वहाँ में, मैं 2007-08 से विदेश की यात्रा पर अलग अलग जगह जा रही हूँ। लोग को लगता है, ऐसा भारतीय मानसिकता है कि शायद वहाँ के लोग बड़े वैसे होते होंगे, मंदिर नहीं जाते होंगे, वहाँ का युवा बिल्कुल भी भक्ति सत्संग से नहीं जुड़ा होगा। मेरे हिसाब से वहाँ के लोग जो है यहाँ से ज़्यादा उस चीज़ से जुड़े होंगे। बिल्कुल, मेरा अनुभव रहा है वहाँ अटूट श्रद्धा है, क्योंकि देखो पहली बात वो अपने घर से दूर है, यानी अपने देश से दूर है, तो जब कोई भारत से जाता है तो उसको बड़ा प्यार करते हैं कि कोई हमारे भारत से आया है, भारत की संस्कृति को लेकर के आया है। और मंदिर जाना, कोई उत्सवों पर मंदिर जाकर के उत्सव मंदिरों में मनाना, ये वहाँ पर बहुत प्रचलित है, और बहुत मुझे खुशी होती है देख करके कि कोई विशेष अंतर मुझे नहीं दिखाई देता।
उन लोगों में वही श्रद्धा है जो यहाँ के लोगों में है, और ज़्यादा जागरूक हैं अपने धर्म के प्रति, उनको लगता है हमारा धर्म, हम कुछ चुनिंदा लोग हैं इस देश में, तो ये नष्ट ना हो जाए। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि हमें धर्म को संभाल करके रखना है। तो मेरे हिसाब से कोई विशेष अंतर नहीं है, वो लोग बहुत जागरूक हैं अपने धर्म को लेकर। देवी चित्रलेखा, एक आपकी आवाज़ जो है बहुत सुंदर है, आप कोई सुंदर कृष्ण भजन दो पंक्तियां हमें सुना दें अगर। अरे कौन सलो ने रो, अरे कौन सलो ने रो, हस हस बातें करत सखीरे, हस हस बातें करत सखीरे, यह कुवर कहाँ को भू, यह कुवर कहाँ को भू, अरे कौन सलोने रो, अरे कौन सलोने रो, अरे कौन सलोने रो, अरे कौन सलोने रो। ये गोपी का भाव है जो कहती है इतना सुंदर कौन है जिस जो हंस हंस के सबसे बातें करता है और सबके चित्त को आकर्षित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए देवी चित्रलेखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आपने इतनी सारी चर्चा आज यहाँ पर की। धर्म से जुड़ी चीज़ें, धर्म से जुड़ी बातें, अपने जीवन से जुड़ी बातों को सीखने के लिए आप सभी धर्म लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी अपडेट्स, अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में ज़रूर सीखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।